देखिए गाइस, हमारी मीठी दलिया जिसको आप खाकर खीर भी भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी दलिया जिस तरह से हमने बनाई है उस तरह से आप बनाइए तो बहुत टेस्टी दलिया लगेगी। तो आज की हमारी ये रेसिपी, चलिए देखते हैं कि हमने कैसे बनाई है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स रमे। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी दलिया जिसको आप खा करके खीर का भी स्वाद भूल जाएंगे, और ये काफी हेल्दी और काफी टेस्टी होगी। सभी बच्चे खा सकते हैं, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो या उससे बूढ़े या जिनके दांत नहीं है, वो सभी खा सकते हैं। 6 महीने बाद बच्चों को आप जब देते हैं खाने के लिए तो ये तो चलिए मीठी दलिया बनाकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी दलिया है जो गेहूं से बनी हुई है। अब इसको हम चलो फ्राई करते हैं इसको। ये देखिए गाइस, हमने अपने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 स्पून घी, ठीक है। और अब इसमें घी को पिघल जाने तक इसको पिघल लेंगे, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे अपनी दलिया जिसको हम रोस्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से रोस्ट करते हैं। अगर नमकीन दलिया आपको बनानी है तो आप बिना घी के भी भून सकते हैं, और मीठी बनानी है तो भी आप बिना घी के या घी के साथ भून सकते हैं। घी के साथ भूनेंगे थोड़ा सा स्वाद अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसको हम भूनते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी भून चुकी है। लगभग लगभग हमको 3 से 4 मिनट लगा है भूनने में, और एक एक दाना देख सकते हैं आप कितना अच्छे से खिल के आया है, ठीक है। तो इसको हम हटा के रखेंगे और फ्लेम को बंद नहीं करेंगे, इस पर सीधे कुकर चढ़ा देंगे अपना। देखिए गाइस, हमने अपना कुकर चढ़ा दिया है। अब इसमें जितनी दलिया थी उसका 3 गुना पानी लेंगे हम। आप 2 गुना भी पानी ले सकते हैं, उसी हिसाब से दूध भी ऐड करेंगे। ये देखिए 1 कटोरी, ये हुआ 2 कटोरी, और ये 1/2 कटोरी, यानी 2.5 कटोरी हमने लिया हुआ है पानी, ठीक है। अब इसको बॉयल आ चुका है इसमें, तो अब हम अपनी दलिया इसमें सारी की सारी डाल देंगे। अब देख सकते हैं गाइस, इसको हम बंद करेंगे, इसमें 5 से 6 सीटियां लगा लेंगे, उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं बाद में। ये देख सकते हैं गाइस, जब तक सीटियां आती हैं तब तक हम कुछ अपने ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, किशमिश, नारियल, 4 बादाम और ये काजू, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, सीटी भी आ चुकी है, और 4 और सीटियां बना लेते हैं। ये देखिए गाइस, सीटी निकल चुकी है, अब हम देखेंगे इसको ओपन करके। ये देख सकते हैं गाइस, अभी आपको ये थिक लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें हमें अभी यूज करना है दूध अपना, ठीक है। तो इसको हम चला लेंगे और यूज करेंगे दूध का। ये देखिए, वही ड्राई फ्रूट जो हमने कट करे थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये देखिए गाइस, 1 कटोरी चीनी ले ली है। आप चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन जो ये हम बता रहे हैं नाप, वो बिल्कुल परफेक्ट नाप है जो लोग थोड़ा सा मीठा खाते हैं उनके लिए, ठीक है। अब इसको हम मिला के अब इसमें हम डालेंगे दूध, और फिर से पकने के लिए रखेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए गाइस, 1 कटोरी दूध, ये हमारा मलाई सहित दूध है, क्योंकि हमें टेस्टी बनाना है इसको मलाई सहित दूध लेके। तो ये देखिए, इसको हम मिला लेंगे अच्छे से, और अब इसको हम पकाएंगे, ठीक है। क्योंकि चीनी डाला है ना, तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा, लिक्विड छोड़ेगा, इस वजह से और पतला हो जाएगा। तो पका के देखेंगे, अगर कम लगेगा तो आप इसमें दूध थोड़ा और डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं गाइस, दूध थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हम 1 कटोरी दूध और डाल देंगे, यानी 2 कटोरी दूध डाला है इसमें। इसको अब हम पकाएंगे, ठीक है, फिर पकने के बाद में मिलते हैं। बन चुकी है दलिया, तो हमने बंद कर दिया गैस, तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, सर्व कर रहे हैं, सर्व करने में ही देख रहे हैं कितनी टेस्टी लग रही है। गाइस, दूध की मात्रा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और ये दलिया खाने में इतनी टेस्टी लगती है गाइस, कि आप एक बार खाएंगे बार बार मांगेंगे। तो चलिए डेकोरेट करते हैं अपने थोड़े से ड्राई फ्रूट से। ये देखिए, तो ये देखिए गाइस, हमारी दलिया बनकर रेडी है। जैसे कि हमने इसको पानी में उबाला था, आप चाहे तो आप दूध में भी बॉयल कर सकते हैं, उसके बाद में ऐसे बना सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी गाइस, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।